चलो तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। अभी क्या देख रहे थे हम लोग? डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम का एप्लीकेशंस। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है डिवाइड एंड कंकर का, वो क्या है? क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट क्या है? एक सॉर्टिंग टेक्निक है, जिस तरीके से मर्ज सॉर्ट एक सॉर्टिंग टेक्निक था, जिसको यूज करके हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग सॉर्टिंग कर रहे थे, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे थे एलिमेंट्स को। एक एरे में कुछ एलिमेंट्स था जिसको हम लोग अरेंज किए थे असेंडिंग ऑर्डर में। अगर वो पहले से अरेंज नहीं था तो मर्ज सॉर्ट अप्लाई करने के बाद वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज हो गया था। सेम उसी तरीके से क्विक सॉर्ट है। और इसमें एक है क्या एक्चुअली, ये भी है डिवाइड एंड कंकर का एप्लीकेशन। तो सिंपल सोचो कि डिवाइड एंड कंकर का अगर एप्लीकेशन है क्विक सॉर्ट, इसका मतलब कि डिवाइड एंड कंकर का एप्लीकेशन होने का मतलब क्या है कि ये भी सॉर्टिंग टेक्निक में हम लोग को क्या यूज होगा? डिवाइड स्टेप यूज होगा, होगा ना? और कंकर स्टेप यूज होगा, मतलब कि डिवाइड एंड कंकर यहां पर भी यूज होगा। तो अभी तक लास्ट जो हम लोग किए हैं, जितना भी एप्लीकेशंस देखे थे, मैक्स मीन हो या पावर ऑफ एन एलिमेंट हो या फिर बाइनरी सर्च कर रहे थे, मर्ज सॉर्ट कर रहे थे, सब में क्या किए थे? डिवाइड स्टेप जब हम लोग कर रहे थे तो डिवाइड स्टेप में क्या किए थे? एम इक्वल टू आई प्लस जे बाई टू, यही किए थे ना? डिवाइड स्टेप में क्या किए थे हम लोग? आई प्लस जे बाई टू। आई क्या था? आई था इनिशियल और फर्स्ट एलिमेंट। जे क्या था? जे था लास्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को ऐड करते थे और डिवाइड करते थे टू से। इसका फ्लोर वैल्यू जो होता था, जो हम लोग उस वैल्यू को एम में स्टोर करते थे और बोलते थे क्या कि डिवाइड हो गया है हम लोग का। ठीक, अब देखो क्विक सॉर्ट में बस थोड़ा सा चेंजिंग है, क्विक सॉर्ट में बस थोड़ा ही चेंजिंग है, बाकी सब सेम है। क्योंकि तो सिंपल जानो कि डिवाइड एंड कंकर का एप्लीकेशन है, अगर इसका मतलब डिवाइड होगा, कंकर करेंगे, फिर कंबाइन करेंगे, ये बात तो पक्का है। हो सकता है कोई पार्टिकुलर स्टेप ना हो, कहीं कंबाइन होता था, कहीं नहीं भी होता था। जैसे कि मैक्स मिन में एड कर रहे थे या फिर पावर ऑफ एन एलिमेंट का किए थे या मर्ज सॉर्ट में किए थे, सब में कंबाइन स्टेप भी था, लेकिन बाइनरी सर्च वाले में कंबाइन स्टेप नहीं था। बाइनरी सर्च में कंबाइन स्टेप नहीं था। तो सेम वैसे ही हम लोग क्विक सॉर्ट को सही तरीके से एनालाइज करेंगे, क्या क्या स्टेप है और कैसे कैसे ये काम कर रहा है। तो सबसे पहला स्टेप पर आते हैं, डिवाइड स्टेप। भाई क्विक सॉर्ट में डिवीजन कैसे होगा? सेम जैसे पहले करते आए हैं, आई प्लस जे बाई टू होगा, या फिर इसमें कुछ चेंजिंग है? तो क्विक सॉर्ट का जो डिवाइड स्टेप है वो पहले जैसा नहीं है, बस यही इतना चेंजिंग है कि पहले जैसा डिवाइड स्टेप नहीं रहा। अब डिवाइड स्टेप के लिए एक अलग से एल्गो हम लोग के पास है, क्या है? पार्टीशन एल्गो। जैसे मर्ज सॉर्ट में कंबाइन में क्या था? एक मर्ज एल्गो चला था, जो कि दो सॉर्टेड एरे अगर गिवन है तो अगर दो सॉर्टेड एरे गिवन है, दोनों को मर्ज करने के लिए सिंगल सॉर्टेड एरे में हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग एक मर्ज एल्गो इंप्लीमेंट कर रहे थे। और मर्ज एल्गो के थ्रू क्या हुआ था आउटपुट में? हम लोग का जो भी सॉर्टेड एरे दोनों था, वो दोनों का सिंगल एक एरे बन चुका था दोनों से, जो कि सॉर्टेड था, सॉर्टेड ऑर्डर में ही था। ठीक, तो यहां पर क्या करेंगे? मर्ज स्टेप जैसे वहां पर हुआ था, कंबाइन स्टेप, कंबाइन स्टेप बाद में हम लोग देखेंगे क्विक सॉर्ट का। कंबाइन में क्या करना होता है, नहीं करना होता है,
सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि डिवाइड स्टेप कैसा होता है। तो अभी से पहले डिवाइड में क्या किए थे, i प्लस j बाई टू, मतलब कि ये ब्लाइंड डिवीजन था एक तरह से बोलो तो। ये क्या था, ये था ब्लाइंड डिवीजन। ब्लाइंड डिवीजन मतलब क्या हुआ, एलिमेंट कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंपल हम लोग डिवाइड स्टेप में i प्लस j बाई टू कर लेंगे और इससे हम लोग का एक मिड का पोजीशन आ जाएगा। क्विक शॉट में काम नहीं करेंगे, क्विक शॉट में हम लोग ब्लाइंड डिवीजन नहीं करेंगे। हम लोग डिवीजन जो करेंगे उसके लिए एक एल्गो है, पार्टीशन एल्गो, मतलब कि पार्टीशन एल्गो के थ्रू में डिवाइड स्टेप हम लोग क्विक शॉट का करेंगे। ठीक, तो पार्टीशन एल्गो क्या है भाई, तो पार्टीशन एल्गो यही है, ये जो लिखा है यही पार्टीशन एल्गो है, लेकिन इस एल्गो को समझने के लिए पहले हम लोग एक एग्जाम्पल को मैनुअली सॉल्व करते हैं। मैनुअली सॉल्व कर लेंगे पहले, उसके बाद जो भी स्टेप्स फॉलो करेंगे मैनुअली में उसको कोरिलेट करेंगे कि एक्चुअली में ये एल्गो है वैसा ही कुछ वर्किंग है इसका भी क्या। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और पार्टीशन एल्गो को उस पर इंप्लीमेंट करके देखते हैं मैनुअली, कोड नहीं पढ़ेंगे, कोड का एक लाइन भी नहीं अभी देखेंगे, पहले मैनुअली करते हैं, मैनुअली समझ जाओगे, कोड समझने में बहुत इजी होगा जैसे हम लोग पहले करते आए हैं। तो चलो यहां से बोर्ड का भी पार्टीशन कर लेते हैं अपने रफ करने के लिए, यहां रफ करेंगे हम लोग क्या है, तो यहां पर हम कुछ एलिमेंट्स लेते हैं, एलिमेंट्स कहां स्टोर है, एरे में ही स्टोर था, यहां पर भी क्विक शॉट में भी, क्विक शॉट में भी इनपुट क्या होना है, इनपुट होना है अनसॉर्टेड एरे। आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में क्या मिलेगा, सॉर्टिंग टेक्निक है इसका मतलब सॉर्टेड एरे मिलना है, सॉर्टिंग टेक्निक है इसका मतलब क्या हुआ कि सॉर्टेड एरे ही मिलेगा आउटपुट में, तभी हम लोग सॉर्टिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं। तो एक अनसॉर्टेड एरे को लेते हैं और डिवाइड स्टेप करते हैं, मतलब क्या पार्टीशन एल्गो को देखते हैं वहां पर। तो एक एरे लेते हैं, अब देखो सिंपल जानो एरे का मतलब एक कभी नहीं है कि इस तरीके से ऐसे बॉक्स बनाया जाए फिर डिवीजन किया जाए, ये कोई जरूरी नहीं है, मतलब क्या कि एरे एक्चुअली तो ऐसा ही सिस्टम में है, लेकिन मान लो ऐसे भी हम लोग लेते हैं सिंपल कि एलिमेंट्स को ही लिख लेते हैं अगर सीक्वेंस ऑर्डर में, वो भी कोई गलत नहीं है, वो भी कोई गलत नहीं है, हम लोग इंटरनली समझ क्या लेंगे कि हाँ भाई एरे है इस सीक्वेंस में अरेंज होगा एलिमेंट्स। ठीक, तो हम लोग ये बॉक्स नहीं बनाकर डायरेक्टली केवल एलिमेंट्स को ही सीक्वेंस ऑर्डर में लिखते हैं। एलिमेंट्स को लिखेंगे तो मान लो 15, 12, 3, 19, 24, 2, इतना ही एलिमेंट्स लेते हैं, कितना एलिमेंट हुआ 1, 2, यहां एलिमेंट्स का पोजीशन भी बता लेते हैं, ये क्या है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, एक और एलिमेंट चलो ले लेते हैं, एक एलिमेंट और ले लेते हैं, मान लो यहां पर 8 है तो क्या हुआ, ये हो गया 7th एलिमेंट। ठीक, तो ये क्या है, रेड से जो लिखा हुआ है वो पोजीशन बता रहा है एरे का, सेम ऐसा ही था ना, इसको बॉक्स अगर बना लेंगे, इसके ऊपर से अगर बॉक्स बना लें तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन है हुआ, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन है, ऐसे ही होगा पोजीशन, तो बॉक्स हम लोग केवल नहीं बनाए। ठीक, एलिमेंट्स ऐसे ले लिए, अब क्या करना है, स्टार्टिंग और एंड में, स्टार्टिंग और एंड में दो इंडिकेटर हम लोग लगा लेते हैं, इंडिकेटर मतलब क्या हुआ पॉइंटर, दो पॉइंटर हम लोग फिक्स कर लेते हैं, क्या भाई जो फर्स्ट प्लेस में
जो फर्स्ट पोजीशन को बताएगा वो पॉइंटर है मेरा, मान लो P है, और लास्ट को जो बताएगा वो पॉइंटर Q है। पॉइंटर मतलब सिंपल अभी समझो कि इंडिकेटर है, ठीक, इंडिकेट कर रहा, हमारे पोजीशन को बता रहा है, ठीक। तो पहला पोजीशन क्या है, P है हम लोग का, लास्ट पोजीशन क्या है, Q है। अब क्या करना है, यहां पर पार्टीशन एल्गो हम लोग चला रहे हैं, हम लोग क्विक शॉर्ट नहीं कर रहे हैं अभी, याद रखना, क्विक शॉर्ट अभी नहीं कर रहा है। क्विक शॉर्ट का डिवाइड स्टेप जो है, क्विक शॉर्ट का जो डिवाइड स्टेप है उसके लिए पार्टीशन एल्गो हम लोग यूज करते हैं, और पार्टीशन एल्गो को ही यहां इंप्लीमेंट कर रहे हैं इस एग्जांपल में। यहां पी ले लिए, यहां क्यू ले लिए, उसके बाद क्या करना है, जो फर्स्ट पोजीशन है वहां पर एक और पॉइंटर लेते हैं, वो पॉइंटर मान लो आई ले लिए, ठीक। जो फर्स्ट पोजीशन है वहां पर भी, वहां पर ही एक और पॉइंटर लिए हम लोग आई, और सेकेंड जो होगा मतलब पी पोजीशन जहां है, पी पोजीशन को हम लोग आई ले लिए, और पी प्लस वन, पी के जस्ट आगे का पोजीशन है जो, उसको हम लोग लिख लिए जे, ठीक। इतना हो गया, समझ रहे हो बात को, क्या भाई एक एरे लिए है, एरे का जो नंबरिंग है सीक्वेंस का, जो पोजीशन का नंबरिंग है नंबरिंग कर लिए, उसके बाद फर्स्ट पोजीशन में पी ले लिए, लास्ट में क्यू ले लिए, उसके बाद दो पॉइंटर और फिक्स किए हैं, एक आई है और एक जे है, ठीक। इसके बाद हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं एक्स, एक्स क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक, जहां पर कुछ डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक। तो एक्स में क्या कर, क्या हम लोग किए हैं, एक्स में हम लोग किए क्या, एक वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं ए ऑफ पी। अब ए ऑफ पी का मतलब क्या हुआ कि मान लो ए एरे, ए जो एरे हम लोग लिए हैं, मान लो ए एरे ए है, और पी क्या बता रहा है, पी एक पोजीशन को बता रहा है, मतलब कि एक्स में एरे ए का पीथ पोजीशन में जो, पीथ पोजीशन मतलब पी पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसको हम लोग एक्स में स्टोर कर लिए हैं। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, यहां पर एक्स का वैल्यू कितना हो गया, पीथ पोजीशन में क्या है, एरे ए का पी पोजीशन पर क्या एलिमेंट है, देखो पी पोजीशन का फर्स्ट वाले को पोजीशन को बता रहा है, यहां एलिमेंट क्या है 15, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया 15, एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया 15, कहां से आया, एक्स इक्वल टू ए ऑफ पी किए हैं, ठीक। अब एक काम कर लिए, अब इसके आगे क्या करना है अच्छे से समझना, बस एक बार समझना है और कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। अभी तक हम लोग डिवाइड एंड कंकर यूज करते आ रहे थे, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। नेक्स्ट जो डिवाइड एंड कंकर का एप्लीकेशन है, क्विक शॉर्ट है, जिसमें कि डिवाइड स्टेप में पार्टीशन एल्गो लगता है, तो पार्टीशन एल्गो को हम लोग देख रहे हैं, ठीक। यहां पर अभी तक हम लोग जो किए हैं, एक एरे लिए, उसके पोजीशन को डिफाइन किए पहले, फिर फर्स्ट पोजीशन में पी रखे हैं, पी एक पॉइंटर है जो इंडिकेटर बोल सकते हैं, और क्यू एक पॉइंटर है जो लास्ट पोजीशन को बता रहा है, पी फर्स्ट पोजीशन को बता रहा है, दो और पॉइंटर लिए हैं, एक आई लिए हैं, एक जे लिए हैं, आई है जो पी वाले पोजीशन को बता रहा है, और जे है जो पी प्लस वन वाले पोजीशन को बता रहा है, पी प्लस वन, पी वन है तो पी प्लस वन, वन प्लस वन टू, सेकेंड पोजीशन को बता रहा है, अभी तक यही है। और एक वेरिएबल एक्स लिए है, जिसमें कि एरे ए का पीथ पोजीशन में जो एलिमेंट है उसको हम लोग स्टोर कर लिए एक्स में, तो पीथ पोजीशन में एलिमेंट कितना है 15 है, तो एक्स में हम लोग 15 को स्टोर कर लिए। अभी तक इतना काम किए हैं, अब इसके आगे देखो क्या करेंगे हम लोग, अच्छे से समझना एक बार, इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, जे प्लेस जो है, जेथ पोजीशन जो है एरे ए में, जे पोजीशन जिस किसी एलिमेंट को भी बता रहा है उस एलिमेंट को कंपेयर करेंगे एक्स से, समझ रहे हो, एरे ए में आई और जे फिक्स किए थे ना, आई कहा था जहां पी था, जे कहा था पी प्लस वन पर था, जे इनिशियली फिक्स किए हैं, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में ऐसे ही फिक्स किए हैं। अब जे प्लेस में जो एलिमेंट है
उसको हम लोग x वाले से कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे भाई? तो लिखेंगे यहां पर लिखेंगे क्या, a ऑफ j लेस देन इक्वल टू x। अगर a ऑफ j लेस देन इक्वल टू x मतलब क्या है, a में jth पोजीशन पर जो एलिमेंट है अगर x से कम है या फिर x के इक्वल है, ठीक, x का वैल्यू कितना है 15 है और j में कितना वैल्यू है 12 है, मतलब क्या है वो a ऑफ j में क्या हो गया, a ऑफ j में अरे a का jth प्लेस में क्या वैल्यू है 12 है, मतलब कि 12 लेस देन इक्वल टू 12 लेस देन इक्वल टू x, x का वैल्यू क्या है 15 है, लेस देन इक्वल टू 15, 12 लेस देन इक्वल टू 15 है या नहीं चेक करेंगे हम लोग। तो 12 लेस देन इक्वल टू 15 है क्या, 12 15 से कम या इक्वल है क्या, 12 लेस देन इक्वल टू 15 है क्या, हाँ है, क्योंकि ये स्मॉलर नंबर है ए ग्रेटर नंबर है, तो मतलब 12 लेस देन इक्वल टू 15 है, 12 लेस देन इक्वल टू 15, ये जो कंपैरिजन है a ऑफ j लेस देन इक्वल टू x, ये सही कंपैरिजन है, 12 लेस देन इक्वल टू 15 है। अगर रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, अगर लेस देन इक्वल टू x रहे तो क्या करेंगे हम लोग, हम लोग करेंगे क्या, ये स्टेप को ध्यान देना, एक कंपैरिजन हम लोग किए हैं a ऑफ j लेस देन इक्वल टू x, a ऑफ j मतलब क्या, j प्लेस में जो एलिमेंट है 12 है और लेस देन इक्वल टू x, x हम लोग का एक वेरिएबल है जहां पर a ऑफ p हम लोग स्टोर किए हैं, 15 को स्टोर किए हैं, फिर दोनों कंपेयर कर रहे हैं, a ऑफ j लेस देन इक्वल टू x मतलब कि यहां jth प्लेस में 12 और x का वैल्यू 15, 12 लेस देन इक्वल टू 15 सही है ना, ये कंडीशन जब सही होगा तब हम लोग क्या करेंगे, i को एक स्टेप आगे लेकर जाएंगे, आई जहां कहीं भी है आई को इसके आगे वाले पोजीशन में लेकर जाएंगे, मतलब कि आई इक्वल टू आई प्लस वन करेंगे, एक बढ़ाएंगे वैल्यू आई का, तो आई का पोजीशन क्या है वन है, अभी एक पोजीशन इसको बढ़ाएंगे तो क्या हो वन प्लस वन टू बनेगा, मतलब कि आई अब यहां से हटकर आई यहां चलाया है, ठीक, आई अब यहां चलाया है, अब क्या करेंगे यहां पर, अब जब यहां चलाया है तो क्या करेंगे, i प्लेस में और j प्लेस में जो एलिमेंट है वो दोनों को स्वैपिंग करेंगे, वो दोनों को स्वैपिंग करेंगे, कैसे लिखेंगे, स्वैप a ऑफ i एंड a ऑफ j, स्वैप, अगर एक कंडीशन सही है, अगर एक कंडीशन सही है तो कहां जाएंगे हम लोग, a ऑफ j लेस देन इक्वल टू x है, अगर एक कंडीशन सही हो जाए तो कहां जाएंगे हम लोग, स्वैप a ऑफ i एंड a ऑफ j, मतलब जो ith प्लेस में एलिमेंट है और jth प्लेस में एलिमेंट है उस दोनों को स्वैप करेंगे, मतलब i प्लेस में है जो उसको j प्लेस में लेकर चले जाएंगे, jth प्लेस में है उसको ith प्लेस में लेकर चले जाएंगे, स्वैपिंग मतलब ये हुआ चेंज करना, इंटरचेंज कर रहे हैं पोजीशन को हम लोग, तो ith प्लेस में एलिमेंट क्या है, ith प्लेस में एलिमेंट क्या है, i देखो यहां है, ith प्लेस में एलिमेंट है 12, ith प्लेस में एलिमेंट है 12 और jth प्लेस में क्या एलिमेंट है, jth प्लेस में क्या एलिमेंट है, ये भी यहां पर ही है, i और j एक ही जगह है तो यहां भी jth प्लेस में भी 12 ही है, मतलब कि i और j सेम पोजीशन को बता रहा है ना, सेम पोजीशन को बता रहा है ना, फिर भी हम लोग एक स्वैपिंग करते हैं, क्या करेंगे, यहां पर 12 है ना, i का 12 है वो j के 12 में ले जाएंगे, मतलब ith पोजीशन में जो 12 है वो jth प्लेस में ले जाएंगे, jth प्लेस भी तो यहां ही बता रहा है, मतलब कि ये एलिमेंट यहां से यहां ही ले गए, क्योंकि तो i और j दोनों का पोजीशन सेम ही है, समझ रहे हो बात को, मतलब कि ये एलिमेंट 12 का टोकर यहां ही रह गया, ठीक, देख लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जब स्वैपिंग कर लेंगे तब क्या करेंगे हम लोग, जे प्लस प्लस करेंगे, जे को एक स्टेप आगे बढ़ा लेंगे, इसके बाद में ये काम जब कर लिए हम लोग, पहले कंपेयर किए उसके बाद स्वैपिंग कर रहे हैं, कंपैरिजन का जो वैल्यू आया उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्वैपिंग किए हैं,
स्वैपिंग करने के बाद में जे के वैल्यू को एक बढ़ा लेंगे। जे कहां है अभी? टू पर है ना, सेकंड पोजीशन पर है ना, तो जे प्लस वन, टू प्लस वन क्या हुआ थ्री, मतलब थर्ड पोजीशन पर चला जाएगा। जे कहां चला जाएगा? यहां से कट के जे चला गया, यहां थर्ड पोजीशन में चला गया। अब आई यहां हो गया, जे यहां हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यही करना था हम लोग को। इसके बाद क्या करेंगे? फिर से यही काम करेंगे, फिर से यही कंपेरिजन करेंगे हम लोग, फिर से यही कंपेरिजन करेंगे। क्या कंपेरिजन है भाई? ए ऑफ जे लेस देन इक्वल टू ए ऑफ एक्स, मतलब जे पोजीशन में जो वैल्यू है कितना है? थ्री है। जे पोजीशन में, जे पोजीशन में वैल्यू कितना है? थ्री है। तो जे पोजीशन में ए ऑफ जे थ्री लेस देन इक्वल टू कितना? एक्स। एक्स का वैल्यू क्या है? 15 है। एक्स का वैल्यू क्या है? 15 है। तो 3 लेस देन इक्वल टू 15 है क्या? देखो a ऑफ j लेस देन इक्वल टू x, तो j प्लेस में 3 है वैल्यू, 3 लेस देन इक्वल टू 15 है क्या? है, 3 15 से छोटा ही है, मतलब कि ये कंडीशन भी सही हो गया। तो जब कंडीशन सही होता है तो क्या करते हैं हम लोग? जब एक कंडीशन सही होता है तो क्या करते हैं हम लोग? हम लोग स्वैप करते हैं, हम लोग स्वैप करते हैं किसको? ए ऑफ आई और ए ऑफ जे को। स्वैप करने के पहले एक स्टेप क्या करते हैं हम लोग? स्वैप करने के पहले क्या करते हैं? आई जहां पर भी अगर एक कंडीशन सही हो जाए, एक कंडीशन अगर सही हो जाए तो आई को एक वैल्यू इंक्रीज कर लेते हैं, आई को एक वैल्यू बढ़ा लेते हैं एक पोजिशन आगे, और फिर उसके बाद में स्वैपिंग करते हैं। अगर ये वैल्यू सही हो गया, ये कंडीशन सही हो गया, तो हम लोग करते हैं क्या? आई प्लस प्लस, एक बार आई प्लस प्लस करते हैं, उसके बाद हम लोग स्वैपिंग करते हैं। तो आई यहां था तो यहां चला आया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद स्वैपिंग करेंगे किसका? ए ऑफ आई है, ए ऑफ जे का। तो आई जो वैल्यू है वही वैल्यू जे भी है, मतलब कि फिर से थ्री यहां से स्वैप होकर यहां पर ही रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, रह जाने दो। अब स्वैपिंग के बाद क्या करेंगे हम लोग? करेंगे जे प्लस प्लस, जे को इंक्रीमेंट करेंगे फिर से। जे कहां पर है? अभी थर्ड पोजीशन में है ना, जे को प्लस वन, थ्री प्लस वन फोर, तो जे को यहां से हटाकर यहां लेकर चले आए फोर्थ पोजीशन में, समझ रहे हो बात को? जे को यहां लेकर चले आए फोर्थ पोजीशन में, एक बढ़ा लिए स्वैपिंग के बाद। स्वैपिंग कब किए थे? जब एक कंडीशन मेरा सही हो रहा था ए ऑफ जे लेस देन इक्वल टू ए ऑफ एक्स, उसके बाद में हम लोग क्या किए? कंडीशन सही हुआ तो हम लोग आई प्लस प्लस किए, आई को एक पोजीशन आगे बढ़ाए हैं, उसके बाद हम लोग स्वैपिंग किए हैं, आई और जे में जो एलिमेंट है उसको स्वैप किए हैं, उसके बाद जे को इंक्रीमेंट कर लिए हैं स्वैपिंग करने के बाद। याद रखना, स्वैपिंग के पहले आई को इंक्रीमेंट करना है और स्वैपिंग के बाद में जे को इंक्रीमेंट करना है, ये बात याद रखना। अब फिर से क्या करेंगे? अब यहां आ गया, आई यहां है, जे यहां है, अब क्या करेंगे? फिर से वही कंपेरिजन करेंगे जो कंपेरिजन यहां कर रहे थे, ए ऑफ जे लेस देन इक्वल टू ए ऑफ एक्स, यही कंपेरिजन फिर से करेंगे। इसका मतलब क्या लग रहा है कि हमेशा ये कंपेरिजन तो करना ही करना है। अगर ये सही आएगा तो ये स्टेप फॉलो करेंगे, गलत आएगा तो क्या स्टेप आगे देखेंगे हम लोग, समझ रहे हो? दो ही कंडीशन है ना, या तो ये सही हो या गलत हो। सही आएगा तो स्टेप पता चल गया हम लोग को, अब गलत आएगा तब आगे देखते हैं क्या आगे, गलत कहीं आया तो। तो अभी क्या है, जे में कितना एलिमेंट है? ए ऑफ जे, देखो ए ऑफ जे लेस देन इक्वल टू ए ऑफ एक्स, ए ऑफ जे लेस देन इक्वल टू एक्स, फिर से यही कंपेरिजन है। ए ऑफ जे, जे कहाँ है? फोर्थ प्लेस में है, फोर्थ प्लेस में एलिमेंट कितना है? फोर्थ प्लेस में एलिमेंट है 19 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है? 15 है, लेस देन इक्वल टू एक्स, मतलब 19 लेस देन इक्वल टू 15। एक कंडीशन सही है क्या? एक कंडीशन है सही, 19 15 से छोटा या 15 के बराबर है क्या? नहीं, एक कंडीशन गलत हो गया, एक कंडीशन गलत हो गया। तो जान लो, जब सही कंडीशन था तब हम लोग आई को प्लस प्लस करते थे और स्वैप करते थे, उसके बाद स्वैप करने के बाद में जे को प्लस प्लस करते थे, जे को एक पोजीशन आगे बढ़ा लेते थे। प्लस प्लस करने का मतलब क्या? एक पोजीशन आगे बढ़ाना बस। अब एक कंडीशन गलत हो गया तब क्या करेंगे? तो गलत अगर हो गया तो बस केवल एक ही स्टेप करेंगे। देखो, अगर एक कंडीशन गलत हुआ है, अगर एक कंडीशन गलत अगर हुआ है, एक किस केस में है?
रॉन्ग, मतलब एक कंडीशन गलत हो गया। ये क्या, ये कौन सा था, ये था राइट में। अगर राइट हुआ तो, अगर ये कंडीशन सही हुआ तो आई प्लस प्लस करेंगे, उसके बाद स्वैपिंग करेंगे, उसके बाद जे प्लस प्लस करेंगे। तीन काम करना है, देखो एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, तीन स्टेप करना है। लेकिन गलत हुआ तब क्या करेंगे हम लोग, गलत अगर हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया, जैसे कि यहां पर हुआ है, जे में वैल्यू 19 है, 19 को कंपेयर किए एक्स के वैल्यू से, 15 से, 19 लेस देन इक्वल टू 15 गलत जब हो जाए, तो सिंपल एक ही स्टेप करना है, क्या, जे प्लस प्लस, बस जे जहां भी है उसको एक इंक्रीमेंट करना है। जे कहां पर है, देखो जे यहां पर है ना, अभी जे यहां है ना, जे को यहां से कट कर दिए और एक प्लेस इसको इंक्रीमेंट कर दिए, जे का पोजीशन अब एक प्लेस बढ़ चुका है। अगर ये कंडीशन गलत हो जाए, ए ऑफ जे लेस देन इक्वल टू एक्स अगर गलत हो जाए, रॉन्ग हो जाए कंडीशन, तब हम लोग एक ही स्टेप करेंगे, जे प्लस प्लस, तो जे को एक स्टेप बढ़ा लिए, समझ रहे हो। अगर कंडीशन सही हो रहा था तब क्या कर रहे थे हम लोग, पहले आई प्लस प्लस करते थे, उसके बाद स्वैपिंग करते थे, किसको, आई और जेथ प्लेस में जो एलिमेंट है, उसके बाद जे प्लस प्लस करते थे, तीन स्टेप था यहां पर। यहां पर देखो, इसको अगर ब्लैक पे रेड से लिखते हैं, एक स्टेप ये फर्स्ट स्टेप हो गया, उसके बाद स्वैपिंग है जो सेकेंड स्टेप हो गया, उसके बाद जे प्लस प्लस है जो थर्ड स्टेप हो गया। ये किसके लिए है, जब कंडीशन सही होगा, जब कंडीशन सही होगा तो इसके बाद कंपेरिजन के बाद में तीन स्टेप करेंगे, फर्स्ट में आई प्लस प्लस, सेकेंड में स्वैपिंग करेंगे, थर्ड स्टेप में जे प्लस प्लस, तीन स्टेप करेंगे। लेकिन अगर गलत हो गया, इस केस में अगर गलत हो जाए तब हम लोग क्या करेंगे, गलत में केवल और केवल एक ही स्टेप करेंगे, रॉन्ग होने पर एक ही स्टेप करेंगे, जे प्लस प्लस, बस और कुछ नहीं। तो जे को ए प्लस प्लस किए तो एक पोजीशन आगे बढ़ चुका है। अब ठीक, अब क्या करेंगे, फिर से यही कंपेरिजन करेंगे, मेन तो हम लोग का यही है ना, मेन कंपेरिजन तो यही करना है ना, फिर से यही कंपेरिजन करेंगे। क्या है भाई, जे में क्या एलिमेंट है, ए ऑफ जे लेस देन इक्वल टू एक्स, jth एलिमेंट और x को कंपेयर कर रहे थे हम लोग हमेशा, फिर से वही करते हैं। j में क्या एलिमेंट है, 24 है, मतलब कि इसको ब्लू से ही लिखते हैं, j में 24 है लेस देन इक्वल टू, j में देखो 24 है एलिमेंट, jth पोजीशन 5 है लेकिन एलिमेंट क्या है, 24 है, तो 24 लेस देन इक्वल टू x, x का वैल्यू 15 ही है, x का वैल्यू फिक्स है, जान लो एक से चेंज नहीं हो रहा है कभी भी, जेथ प्लेस में वैल्यू चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि जे का पोजीशन चेंज होते जा रहा है, और एक और जिससे कंपेयर कर रहे हैं एक से, एक से नहीं चेंज हो रहा है, एक से हमेशा एक ही है, एक का वैल्यू फिक्स है, 15 कैसे आया था, एक्स इक्वल टू ए ऑफ पी, पी क्या है, फर्स्ट पोजिशन को बता रहा है, मतलब कि फर्स्ट पोजिशन वाले एलिमेंट से ही हमेशा कंपेयर करना है, सिंपल मीनिंग समझो। तो क्या करेंगे, 24 x का वैल्यू क्या है, 15, तो 24 लेस देन इक्वल टू 15, 24 लेस देन इक्वल टू 15, 24 15 से छोटा है क्या, नहीं है, मतलब कि फिर से ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, रॉन्ग हो जाए, तो कहां जाएंगे, देखो रॉन्ग हो जाए तो कहां जाएंगे, रॉन्ग का बस एक ही स्टेप है, जे प्लस प्लस, रॉन्ग जब हो जाए तो एक ही स्टेप है, जे प्लस प्लस, मतलब जे अभी यहां फिफ्थ पोजीशन पर है ना, तो प्लस प्लस कितना हुआ, 5 + 1 = 6, मतलब यहां से कट करके जे को ले आए 6 पोजीशन में, और कुछ नहीं करना है, कि रॉन्ग हो गया, रॉन्ग करने पर तो एक ही स्टेप है, जे प्लस प्लस करना है केवल। ठीक, अब जे यहां चलाया, अब क्या करेंगे, फिर से यही काम करेंगे, कंपेरिजन कंपेयर करना ही है बार बार, जे यहां है, जे को जब इससे फिर से ऐसे ही कंपेयर करेंगे, ए ऑफ जे jth प्लेस में एलिमेंट कितना है, 2 है, jth प्लेस में एलिमेंट 2 है, तो 2 लेस देन इक्वल टू x, x का वैल्यू 15, 2 लेस देन इक्वल टू 15, ये सही है क्या, हाँ ये सही है, 15 से छोटा है 2, लेस देन इक्वल टू करेंगे तो 15 से छोटा है 2, मतलब कि एक कंडीशन सही हो गया है, एक कंडीशन जो है a ऑफ j लेस देन इक्वल टू x, देखो j का वैल्यू 2 है,
टू लेस देन इक्वल टू, x का वैल्यू 15 है हमेशा ही, टू लेस देन इक्वल टू 15 सही हो गया है कंडीशन। तो सही हुआ है तो इसके बाद क्या करते थे, जब राइट होगा ये कंडीशन, जब राइट होता है तो क्या करते हैं, राइट में सबसे पहला स्टेप है आई प्लस प्लस करते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है आई प्लस प्लस, अगर कंडीशन सही हो जाए तो पहला स्टेप क्या करेंगे आई प्लस प्लस। तो आई यहां है ना, आई को यहां से एक बढ़ा लिए पोजीशन, आई प्लस प्लस कर लिए, आई प्लस प्लस कर लिए, उसके बाद क्या किए स्वैप ए ऑफ आई एंड ए ऑफ जे, आई और आईथ प्लेस और जेथ प्लेस में जो एलिमेंट है उसको स्वैप करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो आईथ प्लेस कहां पर है, यहां पर है, तो आई में कितना वैल्यू है 19 है, जेथ प्लेस कहां पर है, यहां है, सिक्स्थ प्लेस में है जे, यहां क्या है 2 है, मतलब 2 को यहां लेकर चले आएंगे और 19 को यहां लेकर चले आएंगे, 19 को कहां ले जाएंगे यहां ले जाएंगे, और 2 को कहां ले आएंगे 2 को यहां ले आएंगे, मतलब कि यहां क्या बन गया, यहां 2 बन गया, 19 कट गया, और यहां पर क्या बन गया, यहां 19 है ना, तो यहां 2 कट गया, यहां आ गया 19। समझ रहे हो बात को, जब सही हुआ कंडीशन, जब कंडीशन सही हुआ तो 3 स्टेप किए, क्या क्या, आई प्लस प्लस, पहले आई यहां था तो यहां से यहां लेकर गए, फिर स्वैपिंग किए ए ऑफ आई ए ऑफ जे, आई और जे में जो एलिमेंट है उसको स्वैप कर लिए, पोजीशन को इंटरचेंज कर लिए, उसके बाद एक स्टेप और क्या है जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस भी करना है, तो जे यहां पर है, जे प्लस प्लस किए तो जे आ गया, इससे एक आगे का पोजीशन 7th पोजीशन में आ चुका है जे। ठीक, अब क्या करेंगे, फिर से कंपेयर करेंगे, सेम यही कंपेरिजन फिर से एक बार करेंगे, अभी यही कंपेरिजन फिर से करेंगे, क्या है ए ऑफ जे, जे में क्या है एलिमेंट कितना है 8 है, ए ऑफ जे 8 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 15 है, एक्स का वैल्यू कितना है 15 है, मतलब 8 लेस देन इक्वल टू 15 चेक करेंगे, 8 लेस देन इक्वल टू 15 है क्या, हाँ 8 है जो 15 से छोटा है, मतलब क्या है कि एक कंडीशन फिर से सही हो गया। जब कंडीशन सही हो गया है तो क्या करते हैं हम लोग, जब कंडीशन सही हो जाए तो क्या करते हैं हम लोग, राइट होने पर पहला स्टेप क्या है आई प्लस प्लस करते हैं, तो आई को यहां से बढ़ाकर एक पोजीशन आगे बढ़ा लिए, आई प्लस प्लस कर लिए, उसके बाद क्या करते हैं स्वैपिंग करते हैं, किसको ए ऑफ आई और ए ऑफ जे को, मतलब आईथ प्लेस में जो एलिमेंट है जेथ प्लेस में है उसको इंटरचेंज करेंगे, आईथ प्लेस में कहां है यहां है 24 है, जेथ प्लेस कहां है जेथ प्लेस है 8 पर है, मतलब ये दोनों पोजीशन के एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे, क्या 24 चला जाएगा यहां पर और 8 चला आएगा यहां, 8 चला आएगा यहां पर और 24 चला जाएगा यहां पर, तो यहां क्या बन गया, यहां बन गया 24 और 8 यहां आ गया, तो एक कट होकर यहां बन गया 8, 8 यहां कट गया, अब जे यहां पर है, उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे जब स्वैपिंग कर लिए, 3 स्टेप है ना, पहले आई प्लस प्लस यहां से यहां लेकर गए, उसके बाद स्वैपिंग किए आईथ प्लेस और जेथ प्लेस को स्वैप किए, आईथ प्लेस यहां था जेथ प्लेस यहां था, दोनों को स्वैपिंग किए दोनों को एलिमेंट्स को, उसके बाद जे प्लस प्लस किए हैं, जे प्लस प्लस किए हैं, थर्ड स्टेप में करना है, जे प्लस प्लस जब करेंगे जे अभी 7th पोजीशन में है, जे को कट करेंगे और जे को इसके आगे ले जाएंगे, इसके आगे कोई एलिमेंट है क्या हम लोग का, जे को इसके आगे जब लेकर जाएंगे एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट क्या है क्यू ही है ना, ए एरे ए में एरे ए का फर्स्ट एलिमेंट पी है, पी से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 अप टू 7, 7 में क्यू है, तो जे 7 में तो पहले से ही था, जब इसके आगे ले जाएंगे मतलब कि मेरा एरे से बाहर चला जाएगा, ये मेरा एरे जो है एरे का एलिमेंट जो है उससे बाहर चला जाएगा जे, तब जे बाहर चला गया ना, अब स्टॉप कर देंगे, जे जब बाहर चला गया तब क्या करेंगे, तब हम लोग स्टॉप कर देंगे इस काम को, ये जो कंपेयर कर रहे थे, ये जो इतना जो काम कर रहे थे हम लोग, इतना जो काम कर रहे थे, ये बार बार जो कंपेयर कर रहे थे, राइट होने पर ये स्टेप तीनों करना है, रॉन्ग होने पर ये स्टेप करना है, ये पूरा कंपेरिजन कब तक करना है, ये पूरा कंपेरिजन कब तक करना है, टिल जे लेस देन क्यू, टिल जे लेस देन क्यू, जब तक जे क्यू से छोटा या फिर इक्वल रहे,
क्या इक्वल लास्ट स्टेप में अगर जे है, जे क्यू के इक्वल है, तब भी जे हम लोग के एरे को ही पॉइंट कर रहा है, हम लोग के एरे का ही किसी एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, क्यू है तब भी, मतलब कि जे या तो छोटा रहे या तो क्यू के बराबर रहे तभी तक ये काम करना है। जब एक कंडीशन फॉल्स हो जाए, मतलब कि जे ना तो छोटा रहे ना तो इक्वल रहे क्यू के, मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि जे ग्रेटर देन क्यू हो जाए। तो जे ग्रेटर देन क्यू जब हो गया, यहां क्या है, जब प्लस प्लस किए थे तो जे का, जे सेवन में था, अब जे का वैल्यू चेंज होकर आगे बढ़ गया, एट आ गया है। जे का वैल्यू यहां पर जब आगे जाएगा तो जे इक्वल टू एट आ गया है, जो कि मेरा एरे का एलिमेंट नहीं है, मेरा एरे का एलिमेंट नहीं है, एरे से बाहर चला गया है। तो जब जे ग्रेटर देन क्यू हो जाए तब क्या करना है, तब एक स्वैपिंग और करना है, तब एक स्वैपिंग और करना है। कैसे करना है, अगर ऐसा रहे तो क्या करेंगे, एक स्वैपिंग और करना है, स्वैप स्वैप ए ऑफ पी एंड ए ऑफ आई, जब जे ग्रेटर देन क्यू हो जाए। अब समझो अच्छे से, जे ग्रेटर देन क्यू जब हो जाए तो क्या करना है, जब तक जे लेस देन इक्वल टू क्यू रहेगा तब तो ये पूरा काम करेंगे जो पहले से हम लोग कर रहे थे, बार बार ए ऑफ जे लेस देन इक्वल टू एक्स हो रहा था, इसमें कुछ कभी राइट हो रहा था कभी रॉन्ग हो रहा था, राइट होने पर ये तीनों स्टेप कर रहे थे 1, 2 और 3, रॉन्ग होने पर बस एक ही स्टेप कर रहे थे। एक कब तक करना है, जब तक कि एक कंडीशन मेरा सही रहे, क्या, j लेस देन इक्वल टू q, मतलब j है जो मेरा एरे को ही पॉइंट करे, q के बाहर जाना, लास्ट पोजीशन के बाहर जाना, इसका मतलब क्या है कि j हम लोग के एरे से बाहर जा चुका है। तो जब j बाहर चला गया है तब हम लोग, मतलब इस j बाहर जाने का मतलब क्या हुआ, कब जाएगा, j ग्रेटर देन q हो जाए, q तो लास्ट पोजीशन बता ही रहा है, लास्ट पोजीशन से ग्रेटर है, लास्ट पोजीशन से भी आगे चला गया है, मतलब कि बाहर चला गया है, तो क्या करेंगे, स्वैप ए ऑफ पी एंड ए ऑफ आई। इसका मतलब क्या हुआ कि एरे ए में पी पोजीशन में जो एलिमेंट है, एरे ए में पी पोजीशन में जो एलिमेंट है और आई पोजीशन में जो एलिमेंट है वो दोनों को स्वैप करना है। समझ रहे हो बात को, P पोजीशन और I पोजीशन को स्वैप करना है, कब, जब J ग्रेटर देन Q हो जाए। तो P पोजीशन कहाँ है एरे में, P पोजीशन कहाँ है, P देखो फर्स्ट पोजीशन है, P यहाँ पर है, और I कहाँ पर है, I देखो कहाँ है, I यहाँ है, मतलब कि ये फिफ्थ पोजीशन में है, यही है ना, यही है ना, P का पोजीशन 1 है और P का पोजीशन 1 है और I का पोजीशन 5 है। तो क्या करना है, स्वैपिंग करना है इसको, P और I पोजीशन में जो एलिमेंट है 1 और 5 में है उसको स्वैप करना है, मतलब क्या, 5 में जो एलिमेंट है उसको 1 पर ले आना है, 5 में एलिमेंट क्या है, 8 है, मतलब कि यहां आ गया 8, 15 कट गया और यहां एलिमेंट क्या था, 15 था, 15 है जो कहां चला गया, 15 चला गया यहां, 15 चला गया वहां पर, यही पार्टीशन एल्गो है और कुछ नहीं है, एंड हो गया यहां पर, अब खत्म हो गया, यहां पर एंड हो गया, लास्ट स्टेप है ये, जो स्वैपिंग है एक बार ही होगा, कब होगा, जब जे क्यू से ग्रेटर है, उसके बाद ये काम खत्म कर देंगे, एंड कर देंगे ये काम, ये जितना भी कुछ हम लोग कर रहे थे ये सब कुछ एंड कर देंगे, कब, जब ये जे ग्रेटर देन क्यू हो जाए, ये स्वैपिंग कर ले, पी और आई प्लेस को स्वैप कर ले। तो ये पूरा समझ गए हो, फिर से एक बार देख लो, एक एरे ए था उसमें पहला पोजिशन को पी लिए, लास्ट पोजीशन को क्यू लिए, और फर्स्ट पोजीशन में एक और हम लोग इंडिकेटर यूज किए हैं, एक और पॉइंटर यूज किए हैं आई, सेकेंड पोजीशन में एक इंडिकेटर यूज किए हैं जे, स्टार्टिंग में ही, मतलब पी प्लस वन में स्टार्टिंग में जे से स्टार्ट किए थे, आई यहां पहला पर था और जे सेकेंड पर था। उसके बाद हम लोग क्या करना शुरू किए, एक और वेरिएबल लिए एक्स, एक्स में एरे ए का पीथ प्लेस में जो एलिमेंट था, पी प्लेस में जो एलिमेंट है उसको स्टोर कर लिए, एक्स में अरे ए का पी प्लेस में जो एलिमेंट है उसको स्टोर किया, पी प्लेस में क्या है, 8 है, पी प्लस अभी 8 आया है ना, पहले इनिशियली क्या था, 15 था हम लोग का, तो पी प्लेस में एलिमेंट है 15, 15 को हम लोग एक्स के जगह पर एक्स के
वैल्यू में x वेरिएबल में स्टोर कर लिए हम लोग, ठीक। x का वैल्यू हो गया 15। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, उसके बाद हम लोग j प्लेस में जो एलिमेंट है उसको, j प्लेस में जो एलिमेंट है उसको हम लोग x से कंपेयर कर रहे थे। अगर j प्लेस का एलिमेंट x से अगर छोटा रहता था या इक्वल रहता था, लेस देन इक्वल टू x होता था, तब क्या करते थे, तीन स्टेप करते थे, क्या i प्लस प्लस, यहां पर i यहां है तो इसको प्लस प्लस करके यहां बना लिए i प्लस प्लस, उसके बाद स्वैपिंग करते थे, क्या i और j प्लेस में, i यहां है j प्लस का यहां ही रह गया था, तो i और j को स्वैप करेंगे। अगर सेम प्लेस में रह जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, एक बार कट करके वहां ही लिख देंगे, अगर डिफरेंट होगा तो अलग अलग जाएगा, स्वैपिंग करते थे। उसके बाद हम लोग j प्लस प्लस करते थे, मतलब j के पोजीशन को बढ़ाते थे, j यहां से यहां चला गया था, j के पोजीशन को बढ़ाते थे, फिर से उसके बाद क्या करते थे, फिर से यही काम कर रहे थे, यही कंपेयर करने का ही काम कर रहे थे, e of j less than equal to x, jth प्लेस में जो एलिमेंट है x से छोटा है कि नहीं, अगर छोटा या इक्वल है फिर से यही तीनों स्टेप करेंगे, 1 2 3 स्टेप करेंगे। अगर जब कभी ऐसा हो जबकि ये फॉल्स हो जाए, ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो क्या करेंगे, j प्लस प्लस करेंगे, केवल j को प्लस प्लस कर लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ये सब i को कुछ नहीं करेंगे, स्वैपिंग भी नहीं करेंगे, केवल एक स्टेप जो थर्ड स्टेप है वही यहाँ फॉलो करेंगे रॉन्ग होने पर। कब तक ये पूरा काम कंपेरिजन करेंगे, ए ऑफ जे और एक्स को कब तक कंपेयर करेंगे, जब तक कि जे लेस देन इक्वल टू क्यू रहे, जे जो लिए हैं, जे क्या हो रहा है, बार बार इंक्रीज हो रहा है ना, देखो यहां पर भी एक चीज कॉमन है दोनों में, एक कंडीशन सही हो या गलत हो, एक कंडीशन राइट हो या रॉन्ग हो, दोनों में एक चीज देखो कॉमन है, यहां भी जे प्लस प्लस हो रहा है और यहां भी जे प्लस प्लस हो रहा है, समझ रहे हो, राइट में तीन स्टेप है 1 2 3 आई प्लस प्लस स्वैपिंग और जे प्लस प्लस, रॉन्ग में जे प्लस प्लस एक ही स्टेप है, लेकिन एक स्टेप दोनों में कॉमन है, क्या जे प्लस प्लस हमेशा ही होगा, जे बढ़ते जाएगा हर एक बार, कम जितना बार कंपेयर करेंगे उतना बार जे इंक्रीज होगा, समझ रहे हो, तो कितना कंपेरिजन करना होगा हम लोग को, हम लोग को कितना बार कंपेयर करना होगा, जब तक कि जे बाहर न चला जाए, जब तक कि जे बाहर न चला जाए, बाहर जाने का मतलब क्या हुआ, जे लेस देन इक्वल टू क्यू नहीं रहे, मतलब कि जे ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन केवल क्यू हो जाए, इक्वल नहीं, जे ग्रेटर देन क्यू हो जाए, तो कितना बार ये काम करे, कंपेरिजन कितना बार हम लोग कर रहे थे, जे का पोजिशन क्या था, जे का इनिशियल पोजिशन 2 था, लास्ट पोजिशन क्या रहा, जहां कंपेयर किए थे हम लोग, जे का वैल्यू जब क्यू रहेगा तब तक करेंगे, जे बाहर जाएगा तो करना छोड़ देंगे, तो सेकेंड पोजीशन से लास्ट पोजीशन अगर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल अगर n एलिमेंट्स है, यहां पर कितना एलिमेंट है, 1 2 अप टू 7, तो 2 से लेके 7 तक किया हुआ है, मतलब कि 6 बार कंपेयर हुआ, देखो कंपेयर कितना हुआ, j कितना बार बढ़ा है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार कंपेयर किए हैं हम लोग, तो 6 टाइम्स जब कंपेयर किए हैं, एक बार यहां जे है, तब उसके बाद यहां जे है, तब उसके बाद यहां जे है, तब यहां पर भी देखो मिला हो, एक बार यहां क्या है, देखो एक कंपेरिजन, एक उसके बाद क्या हुआ, 2 3 4 5 6, 6 बार कंपेयर किए ना, मतलब नंबर ऑफ कंपेरिजन कितना हुआ, 6 ही हुआ, जब 7 एलिमेंट है तो, अगर n एलिमेंट रहेगा तब कितना होगा, तब होगा नंबर ऑफ कंपेरिजन कितना होगा, n माइनस 1, नंबर ऑफ कंपेरिजन कितना होगा, n माइनस 1 होगा, क्यों, क्योंकि j स्टार्ट ही होता है सेकंड प्लेस से, j स्टार्ट ही होता है सेकंड प्लेस से, तो हमेशा स्वैपिंग कर रहे थे क्या, स्वैपिंग हमेशा नहीं किए थे, जब एक कंडीशन सही होता था तब स्वैप करते थे, गलत होने पर स्वैपिंग नहीं करते थे, केवल j को इंक्रीमेंट करते थे, मतलब कि स्वैपिंग हमेशा नहीं हो रहा है, लेकिन कंपेरिजन हमेशा होना है, जब तक कि जे बाहर ना चला जाए हम लोग के एरे से, मतलब कि स्वैपिंग में और कंपेरिजन में अगर देखा जाए कि ज्यादा वैल्यू किसका होगा, नंबर ऑफ कंपेरिजन का वैल्यू ज्यादा होगा या फिर नंबर ऑफ स्वैपिंग का वैल्यू ज्यादा होगा, तो क्या लग रहा है, क्या होगा, नंबर ऑफ कंपेरिजन ही ज्यादा हो सकता है या इक्वल होगा, समझ रहे हो, मान लो हमेशा इसके लिए भी
स्वैपिंग किए, इसके लिए भी किए, इसके लिए भी किए, सबके लिए स्वैपिंग करते जा रहे हैं, हर स्टेप में स्वैपिंग कर रहे हैं। तो कंपैरिजन भी तो हर स्टेप में कर ही रहे हैं। एक एक्स्ट्रा स्वैपिंग है, एक एक्स्ट्रा स्वैप ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं, ए है ए लास्ट में। तो स्वैप का मैक्सिमम वैल्यू, नंबर ऑफ स्वैप का, नंबर ऑफ स्वैप का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? यहां करेंगे स्वैपिंग, यहां करेंगे, यहां करेंगे, सब में करेंगे, n माइनस वन करेंगे, n माइनस वन टाइम्स, और एक लास्ट में भी तो करना है, लास्ट में भी करना है ना। मतलब कि नंबर ऑफ स्वैप का वैल्यू कितना हो जाएगा? n माइनस वन इधर से है, लास्ट ए भी एक वाला, क्योंकि तो बाहर जाएगा तो एक बार तो करना ही करना है स्वैपिंग। मतलब कि n माइनस वन यहां से और यहां से वन, तो n मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैपिंग n होगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैपिंग है। इससे कम भी हो सकता है, जैसे यहां पर देखिए, जब रॉन्ग होगा कंडीशन, ये रॉन्ग कंडीशन होगा तब स्वैपिंग नहीं करेंगे ना। स्वैपिंग का मैक्सिमम वैल्यू n है, लेकिन कंपैरिजन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? n माइनस वन यहां यहां करेंगे। मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू भी n माइनस वन ही है। कंपेयर करना ही करना है, चाहे और कुछ करो ना करो, कंपेयर तो करना ही है। ये कंपैरिजन तो करेंगे, उसके बेसिस पर ही जाते हैं ना स्वैपिंग पर, कभी स्वैप करते हैं कभी नहीं करते हैं। तो नंबर ऑफ कंपैरिजन का वैल्यू फिक्स है n माइनस वन, लेकिन नंबर ऑफ स्वैपिंग है जो वेरिएबल है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू n होगा। अब मिनिमम वैल्यू कितना होगा? ये क्या हो गया? ये हो गया मैक्स वैल्यू स्वैपिंग का। इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? मिनिमम कितना होगा स्वैपिंग का वैल्यू? मिनिमम मान लो एक बार भी स्वैप नहीं करना पड़े। मतलब क्या कि ये कंडीशन जो है हमेशा ही फेल हो जाए, ये जो कंडीशन है ये कंडीशन हमेशा ही फेल हो जाए। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। कब हो सकता है? मान लो a ऑफ j लेस देन इक्वल टू x है, यहां j का वैल्यू है जो a से छोटा अगर है, ये क्या है? पहला एलिमेंट है, pth एलिमेंट है, इससे छोटा है, तब ना हम लोग स्वैपिंग करते थे। मान लो इससे बड़ा रहे, देखो जहां भी ग्रेटर था, जैसे 19 था, 19 के लिए स्वैपिंग नहीं किए थे, 24 के लिए नहीं किए थे स्वैपिंग, नहीं किए थे ना। मतलब कि अगर इससे बड़ा अगला एलिमेंट हो और इससे बड़ा अगला एलिमेंट हो, अगर ग्रेटर वैल्यू आते जाए 15 से, अगर 15 से सब एलिमेंट बड़ा रहे, 15 से छोटा एक भी एलिमेंट अगर नहीं होगा, एक भी एलिमेंट नहीं होगा, तो स्वैपिंग होगा क्या? हमेशा ये कंडीशन फॉल्स होगा। मतलब कि यहां पर नंबर ऑफ स्वैपिंग जीरो होगा, एक एक्स्ट्रा स्वैप जो आएगा ये तो करना ही करना है, मतलब एक ही स्वैपिंग होगा। तो स्वैपिंग का मिनिमम वैल्यू कितना है? मिनिमम वैल्यू वन हो गया। ध्यान रखना है चीज, समझ रहे हो क्या? कि स्वैपिंग तब करेंगे जब पी से ए ऑफ पी जो एक्स में स्टोर किए हैं, एक्स से छोटा वैल्यू आएगा। मतलब कि पहला एलिमेंट से, पहला एलिमेंट ही लिए है ना, x इक्वल टू ap, पहला एलिमेंट से अगर छोटा वैल्यू कहीं भी आएगा तब स्वैपिंग करेंगे, अगर छोटा नहीं आएगा। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि थर्ड प्लेस में जो वैल्यू है इससे ज्यादा वैल्यू फोर में होना चाहिए, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि फोर में जो वैल्यू है उससे ग्रेटर वैल्यू फाइव में होना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि जो x हम लिए हैं, जो पहला एलिमेंट लिए हैं x, पहला एलिमेंट से ग्रेटर होना चाहिए, पहला एलिमेंट से ग्रेटर होना चाहिए, नहीं होगा स्वैपिंग। अब आपस में लोग कौन छोटा है कौन बड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो नहीं होगा यहां पर स्वैपिंग। मान लो इससे सब एलिमेंट बड़ा है, पहला एलिमेंट से बाकी सब एलिमेंट ग्रेटर ही है, तो स्वैपिंग, ये कंडीशन हमेशा ही रॉन्ग होगा, स्वैपिंग नहीं होगा। नहीं होगा अगर स्वैपिंग तो क्या होगा? जब लास्ट में जे ग्रेटर देन क्यू बनेगा, लास्ट में जे तो हमेशा ही बढ़ते जा रहा है, देखो जे यहां भी ग्रेट बस इंक्रीज होते जा रहा है, यहां भी इंक्रीज होता है, राइट हो या रॉन्ग हो, मान लो हमेशा रॉन्ग होते गया, जे तो इंक्रीज होते ही गया है। एक वैल्यू ऐसा आएगा जहां पर जे ग्रेटर देन क्यू बन जाएगा, मतलब कि यहां पर एक स्वैपिंग तो होगा, ये तो पक्का होना ही होना है। मतलब कि यहां पर मिनिमम वैल्यू स्वैपिंग का, नंबर ऑफ स्वैप का मिनिमम वैल्यू वन होगा, मैक्सिमम वैल्यू नंबर ऑफ स्वैप का एन होगा, नंबर ऑफ कंपैरिजन का मिनिमम बोलो या मैक्सिमम बोलो दोनों ही सेम होगा, कितना एन माइनस वन होगा, क्योंकि जे यहां से लेकर एंड तक जाएगा हमेशा ही कंपेयर करना है, जे के वैल्यू को हमेशा ही एक्स के साथ में कंपेयर करना ही करना है। पर नंबर ऑफ कंपैरिजन फिक्स है एन माइनस वन, एक बार जब करेंगे ये जो पार्टीशन एल्गो है, एक बार लगाए, एक बार जब हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, एक बार लगाएंगे इसमें,
तो नंबर ऑफ कंपनीज है ना एन माइनस वन फिक्स है, लेकिन नंबर ऑफ स्वैप से जो वेरी कर सकता है, मिनिमम वन हो सकता है, मैक्सिमम एन हो सकता है। क्यों? एन माइनस वन स्वैप अगर हमेशा ही राइट हो, एन माइनस वन स्वैप यहां पर आ गया, उसके बाद एक स्वैप यहां पर, एन माइनस वन प्लस वन, एक यहां ऐड हो गया, तो यहां एक कम था एन से, यहां एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ, टोटल एन बना दिया इसको, मैक्सिमम वैल्यू स्वैपिंग का इतना हो गया। तो आप देखो कंपेरिजन और स्वैपिंग तो समझ लिए, अब देखते हैं कि ये जो काम किए थे इसके बाद में जो हम लोग का एरे मिला है वो कैसा दिख रहा है, एक ये इसे क्या कुछ बेनिफिट मिला भी या नहीं मिला, अब ये देखना है। अब इसको अच्छे से एरे को देखते हैं, पहले ये सब चीज मिटाते हैं, ये समझ गया है पूरा चीज को, अब इसको मिटाते हैं और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इतना देर जो हम लोग कर रहे थे इसको स्वैपिंग किए, किसी को कहीं कंपेयर किए, बहुत सारा काम कर रहे थे, जो इससे कुछ बेनिफिट मिला भी है या नहीं मिला है। ये जो पार्टीशन एल्गो किए थे हम लोग, ये पार्टीशन एल्गो ही था ना, पार्टीशन एल्गो वन टाइम इंप्लीमेंट किए हैं, ये इतना काम वन टाइम इंप्लीमेंटेशन हुआ है, समझ रहे हो बात को? तो वन टाइम इंप्लीमेंटेशन हुआ है अगर पीटरसन एल्गो का, मतलब क्या होगा, होना क्या चाहिए था, डिवाइड होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि क्विक शॉर्ट का डिवाइड स्टेप है, एक बार जब इंप्लीमेंट किए हैं पीटरसन एल्गो, मतलब कि हम लोग का एरे डिवाइड हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं क्या कि डिवाइड स्टेप जो है क्विक शॉर्ट का वो करेंगे पीटरसन एल्गो के थ्रू में, नहीं पीटरसन नहीं मतलब पार्टीशन एल्गो के थ्रू में, तो पार्टीशन एल्गो से हम लोग, पीटरसन एल्गो अलग होता है सिंक्रोनाइजेशन में होता है, वो अलग चीज है, ओएस का चीज है। तो यहां पार्टीशन जो करेंगे हम लोग, तो पार्टीशन एल्गो को एक बार जब यूज किए तब यहां क्या दिख रहा है, अब एलिमेंट्स को लिखते हैं फिर से, अच्छे से लिखते हैं, यहां कटिंग बहुत ज्यादा है, अच्छे से यहां पर लिखते हैं क्या भाई, यहां पर क्या एलिमेंट है, 8 12 3 2, यही एलिमेंट है ना, 8 12 3 2,